राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण यात्रा में भाग लेने वाली लेह की वीर नारियों से बातचीत की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर विमुम के ऑस्ट्रियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शेलनबर्ग ने वियना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। दिसंबर 2022 में माल और सेवा कर राजस्व संग्रह लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए रहा। यह राजस्व पिछले साल के दिसंबर माह के जीएसटी राजस्व से 15% अधिक है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों की संख्या पिछले 8 वर्षों के दौरान 100 गुना बढ़ी है। 2014-15 में 80 केंद्रों की तुलना में दिसंबर 2022 तक देश भर में 9,000 कार्यात्मक केंद्र हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2023 आज दिल्ली कैंटोनमेंट में शुरू हुआ। लगभग एक महीने चलने वाले इस शिविर में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 710 लड़कियों सहित कुल 2,155 कैडेट भाग ले रहे हैं। इस शिविर में भाग ले रहे कैडेटों में जम्मू कश्मीर के 114 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 120 कैडेट शामिल हैं।